झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। और अब हम सभी राष्ट्रगान के लिए कार्य आपकी तरफ से जरूर हो। सांसद श्री विजय हांसदा जी का स्वागत और अभिनंदन पौधा प्रदान करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का दीप प्रज्वलन के साथ आज के सभी अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद। पर पद्मश्री से सम्मानित झारखंड राज्य की तीनों के बीच मैं आवाज दे पद्मश्री छुटनी मेहता के लिए न केवल अपने परिवार को बिहार और उड़ीसा की डायन प्रताड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाकर अभूतपूर्व कार्य के लिए वर्ष 2004 में संघ के रूप में इन्हें माना जाता है, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मुहिम से लेकर राजनीति हल निकालना सरकार की प्राथमिकता। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड द्वारा सार्वभौमिक पेंशन योजना का शुभारंभ। आपके साथ है तालियां, आप कभी ना करें जोरदार। नागरिक शास्त्र के शिक्षकों को कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु सिर्फ झारखंड सरकार सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित 58,97,561 परिवारों के साथ साथ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। माननीय कोल पाठ गुमला से आप हमारे बीच। इनके बाद मैं आवाज दूंगी। आज आपका सम्मान किया जा रहा है और आपकी तरफ से तालियां जोरदार हो ताकि उनका हौसला और ये कोशिश के खेल कूद के माध्यम से भी श्री सत्यनारायण भोक्ता जी तालियां हो आपकी तरफ से। श्री हेमंत सोरेन की एक कीर्तिमान पहल डिजास्टर रिकवरी सेंटर 21वीं सदी की ताकत है सूचना तकनीक, जिसकी अनमोल संपदा है डेटा। बुधवार चीनी हुई है कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में ये ऑनलाइन डैशबोर्ड और वेब कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। काम करना पड़ रहा था लेकिन इस अभियान ने इन्हें एक नई कल तक के स्वयं इससे जुड़ी हुई थी और आज इस अभियान से जुड़कर लोन लेकर टेंट हाउस और ढाबा का व्यवसाय कर रही है। 6 हड़िया दारू की बिक्री छोड़कर अपना व्यवसाय। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और अन्य क्रियाकलापों में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और आज के दिन में जब हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि मना रहे हैं, झारखंड राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं, मंच पर मार्गदर्शक पद्मश्री मुकुल नायक जी जोरदार तालियां इनके सम्मान में। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी ओर से जोहार करना चाहूँगा। आज
इस जयंती दिवस पर और ऐसे उत्सव को तभी हम इसको पूर्ण रूप से देख पाते हैं जब हम राज के लिए वीर गति प्राप्त हुए अनेक वीर सपूतों को याद ना करें। आज भगवान बिरसा मुंडा एक जनजातीय समाज का एक ऐसा वीर सपूत जिसको धरती आबा का संज्ञान मिला। यह संज्ञान उसके माता पिता ने नहीं रखा, यह संज्ञान उनके संकल्प, उनके संघर्ष और राज के जल जंगल जमीन, अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए प्राप्त हुआ। अनेकों वीर हर कोने में अगर आप देखें, हमारा राज 5 प्रमंडल में बटा हुआ है, संथाल परगना, कोल्हान, पलामू, उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर, कोई ऐसे प्रमंडल आपको नहीं मिलेंगे जहां अनेकों वीर सपूतों ने जन्म ना लिया हो। अलग अलग समय काल में, अलग अलग दौर में यहाँ के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए घर द्वार त्याग कर समाज के लिए शहीद हो गए। कई लोग जेल में सड़ा दिए गए, कई लोगों को चौराहों में, पेड़ों में फांसी में लटका दिया गया। अनेकों जगह जगह पर हमको लगता है कि अगर हम देखें तो साल के 365 दिन में आधे से अधिक समय किसी न किसी विभूति का हम लोग शहादत या जयंती दिवस निश्चित रूप से मनाते हैं। और वैसे भी साल के पहले तारीख से हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, जिसको खरसवां गोलीकांड के रूप में जाना जाता है। अनेकों और एक ऐसा वर्ग हमेशा इस क्षेत्र में संघर्ष करता रहा जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हमेशा से कमजोर रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि इन वर्गों के बीच में समय समय पर ऐसे विभूतियों ने जन्म लिया जिनकी दूरदर्शिता निश्चित रूप से ही विलक्षण रही है। और ऐसे कमजोर वर्गों के बीच से ऐसे नेतृत्व का उभरना, ऐसे संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था। आज के दिन में भी जनजातीय समाज कहीं ना कहीं विकास के पैमाने में कदम से कदम मिला के चल नहीं पाया है। लेकिन वक्त और हालात के साथ इस समुदाय ने भी अपनी संघर्ष जारी रखी है। और आज
बहुत अधिक नहीं, कम ही सही, यदा कदा ही सही, कहीं ना कहीं लोग सामाजिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, शैक्षणिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। और अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं। आज भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा भगवान के इस जयंती को जनजातीय उत्सव के रूप में घोषित किया है। 150 साल लग गए आज एक जनजातीय को के नाम पर और जनजातीय समूह के नाम पर देश में उत्सव मनाने का कार्यक्रम। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।